బాగున్నాను సాపుకొని వీడియో ఇవి బాగున్నాను साफ भी करते हैं, फिर घर से कॉल भी आ रहे हैं, थोड़ा बैठा कर मेहनने लग रहे हो जी मुँह चुटू हम थोड़ा तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह, टाइम 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ और भाई अभी सोई है। तो मस्त नींद आई रात को और कोई दिक्कत हुई नहीं, तो चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। सुबह सुबह खोलते हैं दरवाज़ा। तो कॉफ़ी वगैरह हमने पी ली है और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और अब बनाते हैं हम मैगी और मैगी वगैरह खाएंगे, फिर सीधे निकलेंगे घर को। और रात भर सही रहा वैसे तो। जो लोग सोलो कैंपिंग करना चाहते हैं तो कभी भी दूसरों को देख के मत करना और ख़ुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो तब आप कैंपिंग कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने रिस्क पे करना है जो करना है, तो हम भी अपने रिस्क पे कर रहे थे तो हमारा तो सही रहा। तो चलिए अब बनाते हैं मैगी वगैरह, तो फिर खाते हैं, फिर चलते हैं सीधे घर। थोड़ा तेल, ये है शुद्ध रिफाइंड का तेल। तेल भी महंगा हो गया आजकल, तो कम डाल रहे हैं। तो अब हम डालते हैं इसमें प्याज, तेल हो गया है। अरे मुँह में आ गया था आराम से। अब थोड़ा प्याज पर क्या होते हैं हम, जब तक ये काला ना हो जाए। नीचे से ताव भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मैगी। मैगी भी हम टॉप ब्रांड की लाए हैं, टॉप रोमन लिखा है इसमें, पता नहीं कौन सी ब्रांड है। और प्याज भी काला हो गया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी मैगी। अरे मैगी तो दूसरी भी डाल दी हमने इसमें,
अब थोड़ा पानी बरसाते हैं इसके ऊपर थोड़ा, जैसा कि आपको आवाज़। तो इसमें अब डालेंगे टॉप रोमन लिखा है इसमें मसाला, मसाला भी सीजनल वाला है, पता नहीं कौन सा ब्रांडेड ही लग रहा है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा मसाला। तो अब थोड़ा आ जाते हैं इसको, नीचे ताव भी लग रहा है इसमें। मैगी थोड़ा सूखा ही बनाएंगे हम। चलो अब थोड़ा इसमें टाटा नमक का वो करते हैं छिड़काव ऊपर से, क्योंकि नमक डालना भूल गए थे उस टाइम पे। आगे से बूदा लगाया था, कम आ रहा है इसमें। पा सकते हैं फिर दगड़े मैगी। ये मैगी भी थोड़ा ढाबे वाली स्टाइल में हुई है, थोड़ा ताव भी लगाए नीचे से। चलो जैसा भी है देखी जाएगी। और ये गड़िया जी प्लेट थोड़ा एक अलग लाएँ, एक जैपनीज टाइप का प्लेट लाएँ, कोरियन पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं सब प्लेट। तो मैगी तो पसक दी हमने, अब थोड़ा बाहर को निकलते हैं, गोट जैसा लग रहा है अंदर। तो मैगी तो हमने पसक दी है, गड़िया जी अभी फाड़े हैं सॉस का पैकेट और मैंने चूस चूस के ख़त्म ही कर दिया उसे। तो गाइस मैगी बन गई हमारी, अब आ गया है चखने का टाइम मैगी को। कैसी बनी है मैगी? तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जुनैन हगर हो गया शायद। नमक डालने से मैं तुम्हारा हाथ रुक नहीं रहा था। हाँ, क्योंकि नमक के आगे वो बूझा लगा था ना, उससे ज़्यादा आ गया, वो फुल अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि कितना गया ना। तो बस मैगी तो ख़त्म हो गई है, पोच पाचे खा भी दिया हमने। अब इसको थोड़ा बर्तन साफ भी करते हैं, फिर घर से कॉल भी आ रहे हैं, थोड़ा बैसाखा में हिड़ने लग रहा जी हूँ चुटन हूँ थोड़ा। तो दगड़ियों अब आ गया भांड मांसने का टाइम। तो भांड को ऐसे ही थोड़ा बहुत धो लेते हैं, ऐसे पानी तो कम है, ऐसे थोड़ा ऐसे हल्का हल्का धो लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे घरी धोएंगे इसको। भांड तो मछे हैं नहीं, और ठाल ठाल और गड़ जाए मासून, और यह बात थोड़ा टेंट टेंट और थुपड़ी उन्हूँ, फिर जनू घर गए। तो फाइनली गाइज पैकिंग हो गई हमारी और सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, और हमेशा की तरह यहाँ पर कोई गंदगी मचा नहीं रखी है, पूरा साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे हमने जलाई थी आग तो वो भी बुझ चुकी है, तो वहाँ पे हमने प्लास्टिक वगैरह जितना भी था वो जला लिया है। तो अब बारी है यहाँ से घर को निकलने की, तो चलते हैं अब सीधे घर को। तो गड़िया जी आर्मल ड्राइव है पचाल बहुत है रन बरमान फुटबॉल का। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, ब्लॉग अच्छा लगा तो फैला दो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।